मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेल मर्ज के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेल मर्ज आप लोगों ने एमएस वर्ड में किया होगा, काफ़ी लोग इसे जानते भी हैं और ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है लोग इसको नहीं जानते हैं, इसका यूज़ नहीं जानते हैं। आज मैं आपको एक्सेल की मदद से एमएस वर्ड में कैसे मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है ये बताने वाला हूँ। ये करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको बनाना है एक फोल्डर। ये मैंने देखिए फोल्डर बनाया है मेल मर्ज नाम का। इस फोल्डर के अंदर आपको दो जो है फाइल लेनी है, एक फाइल है आपकी यहाँ पर डॉक की जिसे हम वर्ड की फाइल कहते हैं और एक फाइल है आपकी एक्सेल की। एक्सेल से मैं डेटा लेकर जाऊँगा यहाँ पर और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम होता है। देखिए दोस्तों, पहले हम ये आपको फाइल दिखा देते हैं। ये फाइल है और मान लीजिए मुझे काफ़ी सारे लोगों को 100, 200, 400, 500 लोगों को एक लेटर भेजना है। अब वो मैं मेल से भेजूं या कैसे भी भेजूं और मैं बार बार इसको लिखता और टाइप करता तो बहुत ज़्यादा समय मेरा जाता, क्योंकि मेल मर्ज ये फैसिलिटी एमएस ऑफिस देता है आपको कि मेल मर्ज का यूज़ कैसे किया जाता है। एक और मेल मर्ज के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा कुछ दिनों में, तब मैं आपको ईमेल के थ्रू बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है। दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आज की डेट में। तो आज हम देखते हैं ये एमएस ऑफिस में कैसे मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। जैसे दोस्तों आपने देखा यहाँ लिखा है हेलो, ये एक इनविटेशन लेटर है। यहाँ ये जो है हमारे भाई की शादी है ऐसा मान लेते हैं और यहाँ पर ये हमने एक मैसेज लिखा है और ये रिगार्ड्स हो गया है। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों यहाँ हेलो के आगे जो है पर्टिकुलर मेरे दोस्त का नाम आए और यहाँ इंसर्ट करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर उसके शहर का या उसके एड्रेस का जो भी आप पता देने वाले हैं उसका नाम यहाँ पर आए और ऐसे जितने भी लेटर जितने भी नाम मेरे पास हों वो एक साथ रिटर्न हो जाएं। फिर आप उनका प्रिंट निकालें, आप उनको मेल करें, जो भी आप करें ये सिर्फ आप एक झटके में और बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। उसके लिए दोस्तों एक तो फाइल हो गई है एमएस वर्ड की, इसके बाद आप ये देख रहे होंगे एक्सेल की फाइल जो मैंने बनाई है। मैंने यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, एक है नेम एक है सिटी। आप सिटी भी ले सकते हैं, एड्रेस, आप काफ़ी सारे जितने भी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लेना चाहें ले सकते हैं वहाँ पर ऐड करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर नीड। अभी मेरे पास नाम है, उनके शहर हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये एक ही फोल्डर के अंदर है, आप देख पा रहे होंगे फोल्डर का नाम है मेल मर्ज, ये एक ही फोल्डर के अंदर है। अब मुझे करना क्या है, मेरे ऑफिस ये वर्ड में आकर और मुझे ये आपको मेलिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप जाएंगे। मेलिंग पर जाने के बाद जो है दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर रेसिपिएंट, सेलेक्ट रेसिपिएंट। यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, आप कोई एक नई लिस्ट एमएस वर्ड के थ्रू ही बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, आप आउटलुक कॉन्टैक्ट आपके हो वहाँ से आप इसको उठा सकते हैं, फैच कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग लिस्ट जिसके पास हो। तो हमारे पास एक ही फोल्डर के अंदर एग्जिस्टिंग लिस्ट है दोस्तों, वो एग्जिस्टिंग लिस्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ वो क्या करेगी। ये देखिए एग्जिस्टिंग लिस्ट में जो है दोस्तों यहाँ पर ये मैंने उठाई और यहाँ क्लिक करने के बाद एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पॉपअप विंडो। अब मुझे चलना है डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर मेरे फोल्डर का नाम है दोस्तों यहाँ पर मेल मर्ज, मेल मर्ज को ओपन करना है और ये आपको एक्सेल की फाइल दिख रही होगी, इसको मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर देखिए एक शीट लिखी आएगी कब बनाई गई, कब क्रिएट किए गई, टेबल का नाम है, क्योंकि एक शीट आ रही है दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ एक्सेल की जो फाइल है उसमें एक ही शीट लिखी है और दो शीट्स को यहाँ से डिलीट कर दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस एक शीट को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से ओके कर दिया है। अब इस एमएस वर्ड की फाइल में दोस्तों वो एक्सेल की फाइल भी आ गई है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से आप ऑप्शन देख रहे हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड का, आपको इंसर्ट करना है जो फील्ड आपको मर्ज करानी है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों दो ऑप्शन आ गए हैं नेम और सिटी, क्योंकि मेरे एक्सेल में दो ही एट्रीब्यूट थे नेम सिटी, आप जितने भी लेंगे उतने ऑप्शन यहाँ आते जाएंगे। अब मुझे हेलो पर कर्सर लेकर आना है और इंसर्ट कर देना है नेम, ये देखिए दोस्तों नेम आ गया है। अब मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ सिटी। तो दोस्तों ये नेम और सिटी आ गए हैं, अब आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी आप इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड एडजस्ट करना चाहें, ये एडजस्ट हो गया है। मैं यहाँ पर नेम और सिटी के कलर भी दे देता हूँ, ये मैंने इन्हें कलर्ड कर दिए हैं। अब
यहाँ पर मेलिंग पर जाने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं दोस्तों, वो मर्ज किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये देखिए पहला आपको ऑप्शन दिख गया होगा, यहाँ पर लिखा गया है हेलो अभी इंदौर। ये आप एक्सेल शीट में देख सकते हैं, पहला नाम था अभी और शहर था उसका इंदौर, ये यहाँ पर आ गया है। आप दूसरा करेंगे, ये आ गया है हेलो राम लखनऊ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे एक्सेल में दूसरा नाम था राम, सिटी थी लखनऊ। इस तरीके से दोस्तों ये सभी आ गए हैं। मुझे करना क्या है, फिनिश एंड मर्ज पर जाना है और अब यहाँ से आप चाहें तो मेल कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में चेंज करना है। यहाँ से आप प्रिंट के डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के बाद आप ऑल पर जाएंगे, ऑल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं क्योंकि मेरी फॉर्मेटिंग अलग है। मैं यहाँ ओके करूंगा और इसका एक पीडीएफ बना लूंगा। ये देखिए दोस्तों अभी एक पीडीएफ बनने वाला है, ये बोल रहा है कहाँ सेव करें, तो मेल मर्ज के ही फोल्डर के अंदर मैंने, ये थोड़ा सा ही टाइम लेगा मर्ज होने में, और सारी मेल मर्जिंग जो 10 कॉन्टैक्ट दोस्तों मेरे एक्सेल में थे उन 10 कॉन्टैक्ट्स के लिए ये लेटर देखिए ऑटोमेटिकली 1 से 2 मिनट के अंदर बन गया है। अब मैं आपको यहाँ ऊपर बारी से दिखाता हूँ, ये देखिए आप, पहला था हेलो अभी इंदौर, इस तरीके से ये मैसेज बन गया है, विद रिगार्ड्स में आपका नाम आ जाएगा, ये इन्विटेशन लेटर है। आप ऐसे ही ट्रैक करेंगे, ये सेकेंड नेम हो गया है हेलो राम लखनऊ, ये थर्ड हो गया है हेलो रानी मुंबई, हेलो अमित भोपाल, हेलो रणवीर चेन्नई, ये इस तरीके से जो भी हमारे एक्सेल में नाम थे दोस्तों, ये देखिए आपको अलग अलग लेटर टाइप नहीं करना पड़ा, कितना आपका घंटों का समय जो है मिनटों में इजीली आ गया है। ये देखिए इजीली हमने इनको बना लिया है और इतने ही हमारे यहाँ पर एक्सेल में डेटा था। अब दोस्तों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर नीड, क्योंकि मुझे ये एग्जाम्पल में वीडियो देना था आपको, इसलिए मैंने यहाँ 10 लोगों का डेटा लिया। आप 1000 2000 जितने लोगों का डेटा लेना चाहें, जितने भी एट्रीब्यूट लेना चाहें, यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। आप इस मेल मर्ज को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और भी दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। मेल मर्ज काफ़ी अच्छा एक विकल्प दिया है हमारे ऑफिस ने, काफ़ी लोग इसको जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वो उसका यूज़ भी एक्चुअल में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों ये इसका यूज़ था। आगे वाली वीडियो में मैं कुछ दिनों में लेकर आऊँगा कि ईमेल के थ्रू एक्सेल को कैसे ज्वाइन करके हम और ज़्यादा एडवांस ईमेलिंग मर्ज मेल मर्ज में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।